वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं आयाज अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वॉट एनालिसिस के बारे में, ठीक, यानी पर्सनल डेवलपमेंट। जो पिछले दो लेक्चर्स हो गए तो अब हम तीसरे लेक्चर की ओर आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि पिछले लेक्चर में हमने देखा पर्सनलिटी, पर्सनल डेवलपमेंट क्या होता है, फिर हमने कोर्स ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट देखा। तो पिछले लेक्चर में हमने इसे प्रीवियस जो लेक्चर हुआ था उसमें हमने एम्पैथी देखा था। तो एम्पैथी के बारे में हमने कुछ टर्म्स देखे थे, ठीक। इसके अलावा हमने बहुत सारी चीजें वहां पर डिस्कस की थी। आज इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं आज स्वॉट एनालिसिस एंड माइंडसेट। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर वो रहेगा टाइम मैनेजमेंट, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टू मैनेज योर टाइम फ्रॉम वेस्टिंग। आइए देखते हैं स्वॉट एनालिसिस की ओर। स्वॉट SWOT, स्ट्रेंथ्स वीकनेस अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। दिस इज SWOT, SWOT, स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। पढ़ रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट, तो सिंपल सी बात है, बात होगी इंसान की, आदमी की, पर्सन की, उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है, उसकी थ्रेट्स क्या हो सकते हैं। सिंपल सी शब्द में समझाऊं आपको कि स्ट्रेंथ्स कॉन्फिडेंट उसकी स्ट्रेंथ्स है, ओवर कॉन्फिडेंट उसकी वीकनेस है, ठीक। सेल्फ मोटिवेशन उसका स्ट्रेंथ है, ठीक। डिमोटिवेट होना उसकी वीकनेस है, या आप लिख सकते हो जो मैंने उससे पहले भी बता रहा था। एक स्किल होना, स्किल्ड होना किसी फील्ड में उसकी स्ट्रेंथ है। अनस्किल होना, ठीक, इलिटरेट होना उसकी वीकनेस है। तो स्ट्रेंथ्स मैंने कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखे हैं, बाकी आप लिख सकते हो आराम से, यानी कि एक इंसान में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होना चाहिए, दैट इज इट स्ट्रेंथ, ठीक है। वर्क एक्सपीरियंस स्ट्रेंथ, कि उसकी एक्सपीरियंस कितनी है, ये एक पर्सन की क्या है, स्ट्रेंथ है। एजुकेशन, उसका एजुकेशन कितना है, क्या वो BSc है, MBBS है, BCom है, MCom है, ठीक, MA, PhD है, MPhil है, जो भी है, एजुकेशन कितना है, तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। स्ट्रॉन्ग टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज में वो कितना जानता है किसी चीज के मुतालिक, टेक्निकल नॉलेज कितनी है उसके पास, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर फील्ड में कितना वो जानता है उसके मुतालिक। एंड पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी कैरेक्टर्स क्या है, बात करने की सलाहियत कैसी, उसके वे कैसे, यानी कि अगर एक बंदा सबसे सबके साथ अच्छे से बात करेंगे तो लाइफ में एक जगह वो मिलेंगे उसको, वो लोग कहीं बताएंगे कि ये जो बंदा है ना, हमने यहां पर देखा था, अच्छे से उसने हमसे बात की थी। तो अगर कोई बंदा रूड किस्म का होगा तो सब उससे क्या करेंगे, दूरी इख्तियार करेंगे। और अगर कोई अच्छा बंदा होगा तो मतलब जैसी करनी वैसी बरनी, ना माने तो करके देख, जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के देख। सिंपल सी बात है, जो इंसान जो बोएगा वही काटेगा। तो ये पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड मार्क्स, दैट इज नथिंग मेरे लिहाज से, तो एक गुड मार्क्स भी किसी लिहाज से थोड़ी सी एक मतलब लगते हैं किसी किसी पे जगह पे जरूर। और गोल्स, ड्रीम्स, इंसान की जो जितनी ड्रीम हाई होगी उतना ही उसे मिलेगा, जितना वो हार्ड वर्क करेगा, जितना वो मेहनत करेगा। तो अब वीकनेस, सिंपल सी बात है, अगर उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस नहीं है
तो ये इसकी वीकनेस है। अगर उसके पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंट है तो इसकी वीकनेस है। अगर उसके वो इलिटरेट है, लेस एजुकेशन है, तो ये इसकी वीकनेस है। स्ट्रांग टेक्निकल नॉलेज नहीं है, यानी किसी अपने फील्ड में वो अच्छे से नॉलेज नहीं रखता है, तो इसकी वीकनेस है। गुड मार्क्स नहीं है तो वीकनेस है। उसकी गोल्स नहीं है तो वीकनेस है। सिंपल। अब अपॉर्चुनिटी उसी को मिलती है लाइफ में जो मेहनत करता। अपॉर्चुनिटी, व्हाट डज अपॉर्चुनिटी मीन? अपॉर्चुनिटी एक्टिविटी है ना, मतलब अपॉर्चुनिटी किसको मिलते हैं? जिसके पास सारी चीजें होंगी, है ना, एजुकेट जो होगा उसी को अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना। अपॉर्चुनिटी यानी पावर टू ट्रांस, यानी एजुकेशन, स्किल्स, लेस कंपटीटर्स, एक्सपीरियंस, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अब फैक्टर्स, अब अपॉर्चुनिटी किसी जगह पे आपको जवाब कह रहे जाना है। अपॉर्चुनिटी कब मिलेगी? जब आपके पास लेस कंपटीटर्स होगी ना, तभी अपॉर्चुनिटी है ना, आप आ जाओगे वहां पे। जब आपकी नॉलेज हाई होगी, जब आप स्किल्ड होंगे, जब आपको मतलब हाई रैंक होगी, है ना, एक्सपीरियंस्ड होगी, तो थ्रेट क्या है? अब कोई बंदा एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको थ्रेट होगा। कोई बंदा एजुकेट, कम एजुकेट है, उसके ज्यादा कंपेटिटर्स हैं, इट इज थ्रेट, वो थ्रेट है। इट इज सबॉर्ड एन दिस, नॉट मोर देन दैट। ये है। अब हम देखते हैं माइंडसेट। अब हम पढ़ते हैं माइंडसेट। Some of your knowledge, beliefs, thoughts about yourself and the world. This is mindset. यानी thoughts, यानी कि some of knowledge, जो आपको knowledge है, खुद के मुताबिक और दुनिया के मुताबिक, आपके thoughts, आपके यकीन है, आपकी beliefs, this all is mindset. आपका mindset, यही mindset होता है। दो किस्म प्रकार के माइंडसेट हमारे पास है। एक है ग्रोथ माइंडसेट, एक है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? यानी जो इंसान सीखता है, जो इंसान सिखाता है, जो इंसान मेहनत करता है, उसका जो माइंडसेट है वो ग्रो हो जाता है। अब फिक्स्ड माइंडसेट क्या होता है? किसी बंदे को बोलो ये करो, भाई क्यों करना है, क्यों फालतू में अपने टाइम वेस्ट करेंगे, क्यों पढ़ाई करेंगे, तो दैट्स फिक्स्ड। वो चाहता ही नहीं है अपने दिमाग को बढ़ाना, उसका माइंडसेट कहां बढ़ेगा? ग्रोथ माइंडसेट मीन्स कि जो चाहता होगा, जो बढ़ाता होगा, जो डेवलप करता होगा, दैट इज ग्रोथ माइंडसेट। फर्स्ट चेंज योर माइंडसेट, क्या करेंगे? अपने माइंडसेट को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीव्स को, खुद और दुनिया को, है ना, अपनी नॉलेज को, अपने खुद को, अपनी दुनिया की बिलीव्स और थॉट्स को कैसे हम चेंज करेंगे? क्या लगता है आपको कैसे कर सकते? बहुत सारे वेज हैं। आज के दौर में मुश्किल नहीं है। बी द फ्रेंड्स, उन दोस्तों के साथ रहा करो जो आपको सिर्फ मोटिवेट करे। उन लोगों के साथ उठो बैठो जो आपको बताए कि आप एक्चुअल में क्या हो, जो आपको नीचे गिराने की कोशिश ना करे, उनसे कभी नहीं रहना। तो हायर पर्सन से रहोगे ना तो हायर ही मिलेगा। अतार की दुकान पे जाओगे ना, अगर अतार नहीं लोगे फिर भी आपको इसका जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, उसकी स्मेल जो है ना वो आपको आ जाएगी, है ना। अगर आप कीचड़ में जाओगे ना, अगर आप बचा के भी जाओगे ना खुद को, फिर को आपको छींटे मिलेंगे। सो अगर बेस्ट लोगों के साथ रहोगे ना तो आपको बेस्ट ही मिले। सो अवॉइड दोज पीपल्स जो आपको डिमोटिवेट कर रहे होंगे, है ना। तो गेट द बेस्ट इंफॉर्मेशन ले लो, जो आपको जरूरत हो वही ले लो, एंड प्रोटेक्ट योर माइंडसेट। फालतू चीजों से अपने खुद को दूर रखो,
फालतू चीजों से अपने खुद को दूर रखो। कि आज के दौर में फालतू चीजों से हमें पाला पड़ता है। मोबाइल को देखो, कोई भी वीडियो उठाओ, वहां पे पता नहीं कौन सा ऐड आता है, पता नहीं कौन से गेम है, हम खुद ही चले जाते हैं, तो पता नहीं क्या क्या ओपन होता है। तो खुद को प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी। तो अगर आप ये सब कर सकते हो, देन यू कैन अचीव द हाइट्स, यू कैन अचीव व्हाट यू वांट टू डू। सेव विजन एंड गोल्स, हैव विजन एंड गोल्स। इंसान के लाइफ में गोल जरूरी है, मकसद जरूरी है। और स्टॉप वरिंग अबाउट व्हाट पीपल थिंक, लोगों के मुताबिक मत सोचो, वो मेरे मुताबिक क्या सोचता है, ये मेरे मुताबिक क्या सोचता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद के मुताबिक क्या सोच रहे हो, दिस इज पर्सनलिटी डेवलपमेंट। ये सारा कुछ जो है हमारे एनसीसी में 75 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोलिए। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म, मैं हूं आज हम। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पर्सनल डेवलपमेंट का लास्ट लेक्चर, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। क्या होता है टाइम मैनेजमेंट, क्या होता है टाइम को मैनेज करना, कैसे होगा टाइम मैनेज। टाइम मैनेजमेंट की डिफिनेशन है, इट्स अ सेट ऑफ स्किल्स, टूल्स एंड सिस्टम्स दैट वर्क टुगेदर। स्किल्स, टूल्स एंड सिस्टम्स दैट वर्क टुगेदर टू हेल्प यू टू गेट मोर वैल्यू आउट ऑफ योर टाइम एंड यूज इट टू अकम्पलिश व्हाट यू वांट। हर एक इंसान को अपनी जिंदगी में कुछ पाने की चाह होती है, वो चाह, वो ख्वाहिश उसको तब पूरी होगी जब वो उसके लिए मेहनत करेगा। और मेहनत कब करेगा, जब उसके पास टाइम होगा। और टाइम कब हो मिलेगा, जब वो मैनेज टाइम करेगा। इंसान को किसी भी बुलंदी पर पहुंचाने के लिए इसको किसकी जरूरत है, टाइम को। इसीलिए सोने से भी, डायमंड से भी प्रीशियस टाइम है। क्यों? क्योंकि जब हम मेहनत करेंगे, हम डायमंड को खरीद सकते हैं। यानी टाइम से हमने डायमंड को खरीदा, लेकिन डायमंड से आप टाइम नहीं खरीद सकते। कोई भी चीज ऐसी दुनिया में बनी नहीं जिससे आप टाइम खरीद सकते हो। सो एवरी मिनट, एवरीवन, के एवरी सेकंड ऑफ योर लाइफ इज प्रीशियस। तो सो डोंट वेस्ट इट, नेवर वेस्ट इट। तो टाइम मैनेजमेंट क्या करेगा, आपको हेल्प करेगा किसमें, रिड्यूस वेस्टेड टाइम, ताकि आपका जो टाइम है वो मैनेज हो सके। यानी कि आपका जो वेस्ट टाइम है वो कम हो जाए। इंप्रूव योर परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस मतलब कि आप अगर कोई काम है जिसमें आप कम स्किल्ड हो, अगर आप वो काम करोगे कंटिन्यूस, तो आपकी स्किल बढ़ जाएगी, आपको इंप्रूवमेंट हो जाएगी। और सेट ए लॉन्ग टर्म गोल, सिंपली आपका जो गोल होगा, अचीव होगा, वो हाई होगा, है ना। जब आप टाइम मैनेज करोगे तो कैसे करोगे वो भी मैं अभी बताऊंगा। और आपको गोल अचीव करने में मदद करेगा। फेलियर्स आएंगे लाइफ में, परेशानी आएंगे लाइफ में, सारूज आएंगे लाइफ में, तो क्या करना है, डट के मुकाबला करना है। हम भी किसी से कम नहीं। तो अवॉइड करना है उन चीजों को जो आपको लग रहे होंगे लाइफ में, जो चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, पुट देम इन योर पॉकेट, है ना। तो नाउ हाउ टू मैनेज टाइम, अब इस टाइम को कैसे मैनेज करें, क्या इसमें जंतर मंतर पढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। तो जो करना पड़ेगा हम देखते हैं। डेवलप अ पर्सनल सेंस ऑफ टाइम, डेवलप अ पर्सनल सेंस ऑफ टाइम। देखो एक्चुअल में क्या होता है ना, जब इंसान किसी चीज में बिजी हो जाता है ना,
उसके माइंड में ये होता है ना मुझे ये काम करना है, तो वो टाइम निकालता है, वो फजूल चीजों में टाइम अपना वेस्ट नहीं करता। पहली बात, आप कोई पर्टिकुलर गोल रखो, मुझे इस दिन ये करना है, मुझे आज का दिन इस दिन ये काम करना है, तो इससे आपका टाइम जो है वो मैनेज हो जाए, ठीक है ना। तो वीकली एंड डेली पर आने इन्हें एक टाइम टेबल प्रिपेयर करो, लेकिन ये टाइम टेबल कभी फॉलो नहीं होता लाइफ में। मेरा एक कुछ साथ कहा करता था कि लाइफ में कभी टाइम टेबल नहीं बनाना। मैंने पूछा था सर क्यों, उसने जवाब दिया कि अभी तक लाइफ में मैंने बहुत सारे टाइम टेबल्स बनाए जो अप्लाई कभी नहीं किए, सो व्हाट टू डू। अभी अभी अगर आपको लग रहा है मैं पढ़ूंगा तो पढ़ना स्टार्ट करो। टाइम टेबल के चक्कर में हम दो दो घंटे जाया करते हैं, हाँ इतने बजे उठना है, फिर सोना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, दो दो घंटे जाते हैं हर रोज, फिर टाइम टेबल कभी मैनेज, कभी टाइम टेबल पर एक दिन हम जुट पाते हैं। क्या करते हैं, हमारे प्रॉब्लम क्या होती है, हम पढ़ने बैठ जाते हैं तो पहले दिन रखा हम 9 घंटे पढ़ेंगे, और जियोग्राफी भी कंप्लीट करेंगे, पॉलिटिकल साइंस भी कंप्लीट करेंगे, इकोनॉमी डिजास्टर, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, व्हाटएवर। तो दूसरे दिन क्या होता है, हम 3 घंटे भी नहीं पढ़ पाते। कंटिन्यूटी रखनी है, अगर आप एक ही घंटे पढ़ोगे तो आपको एक घंटा काफी है, एक घंटा पढ़ो तो वो आपके लाइफ के 360 घंटे बन जाते हैं एक साल, वो भी आपको एक फवलाद बन के छोड़ेंगे। 2 घंटे पढ़ना चाहते हो पर पढ़ना कंटिन्यू है, पढ़ना हर एक दिन, टू मेक अ बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम, मैनेज योर हेल्थ। जब आपकी हालत होगी तभी आप पढ़ पाओगे, तो अपनी हालत का ध्यान रखना है, ख्याल रखना है। तो स्विच ऑफ योर फोन ड्यूरिंग स्टडी, सबसे बुरी हाल जब भी हम फ्री हो जाते हैं ना पढ़ पढ़ के तो फोन को देखने लग जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। जब आपका माइंड फुल हो जाएगा तो ज्यादा जो है ना अवॉइड करो फोन से पढ़ना, डायरेक्ट बुक लाओ उससे पढ़ो, और फोन स्विच ऑफ रखो या साइलेंट मोड पे रखो, तो मैसेजेस बार बार ना देखा करो, क्योंकि कहते हैं ना कोई भी चीज इंसान को ज्यादा करेगा तो नशा बन जाता है, अच्छाई भी कभी कभी नशा बन जाती है। सो किसी भी चीज को अपने जीवन में नशा ना बनाओ, ठीक है ना। फोन को जितना यूज है उतना ही करो, नशा ना बनाओ, क्योंकि ये फिर छोड़ता नहीं, बर्बाद करके इंसान को छोड़ता है। A1 के मैं बोल रहा हूं, बुक्स को भी अपना नशा ना बनाओ, क्योंकि जब इंसान को नशा लग जाता है ना वो नहीं छोड़ता इंसान। तो सो आप पढ़ो, मैं नहीं बोल रहा पढ़ो मत, पर एक लिमिट टाइम, तो सो लिमिटेड मटेरियल रखो, मटेरियल्स को लिमिट रखो। आपने सोचा कि आज मैं स्टार्ट करूंगा पढ़ना, तो मैंने 100 बुक्स लाई अपने रूम में रखी, पढ़ाई के दौरान एक भी नहीं पढ़ी ना। लिमिट रखो अपने मटेरियल को, एक ही बुक लाओ उसको पढ़ के छोड़ो, फिर दूसरी बुक लाओ। आपको फिजिक्स पढ़नी है, फिजिक्स की एक बुक लाओ उसको पढ़ो, फिर दूसरी बुक लाओ। 10-15 बुक लेके अपना शोर जो है वो ज्यादा मत बढ़ाओ। तो ये था आज का लेक्चर, आज के इस लेक्चर में हमने देखा टाइम मैनेजमेंट एंड हाउ टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन आवर लाइव्स एंड हाउ टू मैनेज टाइम। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ सिटी प्लेटफॉर्म, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोलिए।